खरी बात है, ये मजलिस कोई मामूली मजलिस नहीं है, इन मजलिसों पर अल्लाह के वादे हैं, आज अवतरी खरी बात है। आगे बढ़ जाए, कई करीब होकर तशरीफ रखें, जो अगर आप बाहर हो अपने कामों में लगे हो उनसे गुजारिश करके अंदर आ जाए। बल कयामत में अल्लाह कुछ लोगों का असर इस तरह फरमाएंगे तो उनके चेहरे नूर से चमक रहे होंगे, नौकरियों के मंबर पर होंगे, मुश्क के टीले पर तकरीर कर रहे होंगे, अंबिया और सौदा नहीं होंगे। एक देहात के रहने वाले साहबी ने घुटनों के बल बैठ के पूछा, अल्लाह के नबी कौन होंगे तो उनका हल बयान करना दे। अल्लाह के नबी वाले सलाम ने उनका फरमा, जिसका खुलासा है कि वो लोग होंगे जो मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ खानदानों से एक जगह आकर जगह हुए होंगे और अल्लाह का जिक्र कर रहे होंगे। ये मजलिसें कोई मामूली मजलिस नहीं है। तीन मजलिस के बारे में रिवायत में आता है कि ये मजलिसें आसमान वालों के लिए ऐसे चमकती है जैसे जमीन वालों के सितारे चमकते हुए नजर आते हैं। अल्लाह के जिक्र की मजालिस के फरिश्ते इनको तलाश करते फिरते हैं, जहाँ कहीं में ऐसी मजलिसें मिल जाती है दूसरे फरिश्ते को अपनी करीब बुला लेते हैं कि यहाँ आ जाओ, तुम्हारी मतलूबा चीज यहाँ मिल गई, जिसकी तुम तलाश में थे वो चीजें यहाँ मिल गई है। फरिश्ते भी आ जाते हैं, पता लगाकर आसमान तक खड़े हो जाते हैं और अल्लाह की जानिब से ऐलान होता है कि तुम्हारे गुनाहों को नौकरियों से बदल दिया गया, इस वजह से तुम्हारी मफ़रत कर दी गई। ये मजलिसें कोई मामूली मजलिस नहीं है। अल्लाह ताला ऐसी मजलिसों में हमें बार बार बैठने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह الذي رفع السماء بقدرته وضع الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحببتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسّتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلمت أمة في الدنيا نزلت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوهم وإذا تزاكت أمتي سقطت من عين الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستوں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کو بھی کسی کا محتاج نہیں رکھا. جیسے اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، اللہ کا کام بھی کسی کا محتاج نہیں. کہ ہم اور آپ کو اللہ نے اس کام کی ذمہ داری دی ہے، اس امت میں پیدا کر کے، یہ ہمارے ہاتھ کے لیے سعادت کی بات ہے. ورنہ اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کام لینے پر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے حضرات العلیٰ کو کام لے کر بتایا کہ اللہ نے حضرات العلیٰ کو کام لے کر بتایا کہ اللہ کا کام اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے نقلی کو کام لے کر بتایا کہ آپ دار پیر میں ہیں، آپ کے پیچھے قریش کے لوگ لگے ہوئے، آپ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اندر ہے اور نقلی میں جالے بندی ہے، کہ اللہ نے نقلی کے کام کو لے کے بتایا. کبوتری نے انڈے دے دی، اللہ نے کبوتری کے کام لے کر بتایا. کہ اللہ تعالیٰ اگر کام لینے پر آئیں گے تو مچھر کے کام لے لیں گے. مچھر ہے وہ بھی بیچارہ تندرست نہیں ہے، لنگڑے مچھر سے اللہ نے کام لے لیا. کہ اللہ جس کو چاہیں گے، جب چاہیں گے، جہاں چاہیں گے
जैसा चाहेंगे आप जितना चाहेंगे काम ले लेंगे। अल्लाह को मेरी आपकी आगे जरूरत नहीं है, और अगर हम और आप नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला दूसरी कौमों को हिदायत देंगे और उनसे काम लेंगे, और अल्लाह के बगैर वो हमारे जैसे नहीं होंगे बल्कि हमसे बेहतर होंगे। कि अल्लाह ताला ने काम को भी मुझे आपको कबूल किया है, जो अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर बड़ा ईमान है, बल्कि पौधे रकात को शुकराने की अलग से बड़ी जाए कि अल्लाह ताला ने हमें इस मेहनत में लगा दिया है, कि अल्लाह ने वो मुबारक मेहनत हमें भी है कि जिस पर हम कोई निकले नहीं चल पा रहे, कि हमारे दिल की चाहते और हमारे नुकसानी चाहते और तकाजे पूरे नहीं हो पा रहे। जबकि अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला के सारे अहकाम अल्लाह ताला ने इंसान की नुकसानी चाहत के खिलाफ लाए, अल्लाह के तमाम अहकाम इंसान की चाहत के खिलाफ। जो एक आदमी है तो सर्दी भी बड़ी लग रही है, ठंडी कई जोरों की पड़ रही है, और सुबह का वक्त हो गया, फजर की अजान हो रही है, और रजाई में लेटा हुआ है, क्या भी बेटा जाएंगा कि रजाई को छोड़कर अल्लाह के हुक्म पर अजान की आवाज से खड़ा होता है या उसे चादर ओढ़ के सो जाता है। कि हुक्म आएगा कभी चाहत के खिलाफ, कभी मामूल के खिलाफ, कभी जज्बे के खिलाफ, कभी हैसियत के खिलाफ, कि अल्लाह ताला के आकाम आएंगे, तो आकाम में वो पूरा उतरता है नहीं उतरता अल्लाह ताला इससे देखेंगे। तो शहादा के सामने जो भी हालात आए, जो भी हुक्म आए, उनकी जज्बात के खिलाफ में, चाहत के खिलाफ में उन्होंने उसके अंदर पूरी कामयाबी हासिल की। शहादा ने जान माल की कुर्बानी दी, वक्त की कुर्बानी को दी, सबसे बड़ी कुर्बानी जज्बात की कुर्बानी दी, जज्बे को कुर्बान कर दी। हर एक के दिल में जज्बे होते थे, लेकिन हम सारी साइकों को, सारे जज्बों को, सारी फसलों को अपने सीने के अंदर लेकर दफन होते, जो कायशात से पूरा करने की जगह ये नहीं हुई, जो कायशात से लेकर अल्लाह ने जन्नत को बनाया है ये उसको पूरा करने की जगह नहीं है। वो अपनी कायशात को अपने सीने में दफन करके खास के पेरन बन गए, दायरे से चाहे चाहता तो कैसे कैसे उनके उनके सीने में क्या दिल नहीं था, क्या उनको कोई चाहत नहीं थी, फिर उनकी चाहते क्या लगी, ये सब अलग अलग जगहों पर जाकर मिट्टी के प्रेम बन गए। तो सबसे बड़ी कुर्बानी शहादत की जज्बात की कुर्बानी। हजरत माज रजुल्ला से अल्लाह के नबी कुछ कह रहे थे, माज अल्लाह की कसम मुझे तुमसे नाफत है, कि कहा ये जा रहे थे मुझे तुमसे नाफत है, और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि माज जब तुम दोबारा वापस आएंगे तो मुझे नहीं पाऊंगे, ये मस्जिद तो है भी लेकिन मैं नहीं रहूंगा। बताओ हजरत माज के दिल पर क्या बीत रही है, जब तक चाहता अपने दिल में अल्लाह के नबी के दीदार से ज्यादा कोई फायदे नहीं थी। अल्लाह के नबी को देखना उनके लिए ऐसा था जैसा कि जमीन आसमान को एक तरफ कर दिया जाए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का दीदार एक तरफ रख दिया जाए, तो अल्लाह के नबी के दीदार को पसंद कर देते। शहादा के लिए कोई मामूली कुर्बानी नहीं थी, ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी कि अल्लाह के नबी को छोड़कर जाया जाए, कि अल्लाह के नबी के दीदार को छोड़कर जाया जाए, आपकी मस्जिद को छोड़कर जाया जाए, आपकी मस्जिद को छोड़कर जाया जाए, आपके सामने होते हुए आपके सामने से उतर जाए। कि शहादा के लिए बड़ी कुर्बानी थी। अगर नाज को कह रहे हैं कि जब तुम आओगे तो मुझे नहीं पाओगे, अगर नाज के दिल में क्या कहा कि जब तुम आओगे तो मुझे नहीं पाओगे, अगर नाज चले गए यमन और जब वापस आए तो अल्लाह के नबी को नहीं पाए। तो शहादा ने जज्बात की कुर्बानी दी। अगर साथ चलेंगे रजुल्ला तो एक काले कलीफे के साथी अल्लाह के नबी के पास आए, कहने लगे क्या अल्लाह के नबी मेरा काला रंग मुझे जन्नत में जाने से रोक देगा, तो वो जन्नत में जाने से माने। अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, ये कैसे रोक देंगे आज, जब तुम अल्लाह के आसान पर हो, अल्लाह के नबी के तरीके पर हो, सारे अल्लाह ताला के हुकूक पे, अल्लाह के नबी अलैहि सलातो व सलाम की लाए हुई शरीयत को पूरा कर रहे, पाबंदी कर रहे, तो ये कैसे रोक देंगे, कि अल्लाह ताला ने तुम्हें कबूल किया है तो ये कैसे रोक देंगे। तो कहने लगे मैं क्या करूँ कि मेरे इस काले रंग की वजह से कि कहीं मेरा नेता नहीं होता, हालांकि मैं बने सुलेम के अतराब में से। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कहा कि आमिर बिन वाह सबके मस्जिद में मौजूद है, तो लोगों ने कहा कि अगर क्यों नहीं हुई,
बाप जाए अमर के घर पर जाए, अमर के घर गए और उसको ये कहना कि मैं तेरी बेटी के लिए पैगाम लेकर आया। हजरत अमर बिन वाह शक्ति रजिल्ला उनके पास पहुंचे, हजरत अमर मालदारों में थे और उनकी बेटी बड़ी खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी। जब ये वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का काशिद हूँ, अल्लाह के नबी ने मुझे आपके पास भेजा है आपकी बेटी के रिश्ते के लिए। तो उन्होंने उनको ऊपर से नीचे तक देखा और ये गुमान किया कि अल्लाह के नबी को तो मेरी बेटी के बारे में सब कुछ पता है, उसके बाद अल्लाह के नबी उनको दो जोड़ का आदमी तो नहीं भेजेंगे। तो उन्होंने वापस कर दिया, बेटी ने अंदर से बातें सुन ली थी, कहा कि अब्बा जान ये हिम्मत कैसी है कि तय कौन रहा है, ये कैसी है कि किसकी बात कह रहा है, तो मैं तैयार हूँ उसके लिए। तब उनके भी दिल में एहसास हुआ, उसके पीछे पीछे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उनकी मजलिस में आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए और भी सहाबा मौजूद है मजलिस में, लोगों ने कहना शुरू किया हमें क्या तुमने अल्लाह के नबी की बात का इनकार कर दिया। उन्हें बड़ी शर्मिंदगी हुई, तो अल्लाह के नबी के पास माजरत की, सोने लगे अल्लाह के नबी आप जो चाहेंगे वही होगा, कि अपने जज्बे को कुर्बान किए कौन करेंगे ऐसा, और आकर कहा कि आप जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा, कि आप मुझे पढ़ाने के लिए तैयार हो, कहा कि हाँ उनका हो जाए। तो हजरत साहब को बुलाया और उनको सामने बिताया और फिर बात की तो कहने लगे मैं तो फकीर आदमी हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाओ उस्मान के पास, अली के पास, अब्दुल रहमान के पास और उनके बेटे से दुरम लेकर आ गए। वो गए उनके पास, बेटे से दुरम लेकर आए, उन्होंने ऐसी बड़ा से दी। जब लेकर आए तो 400 दुरम का महर मुकर्रर हो गया, अल्लाह के नबी ने निकाह पढ़ा दिया और अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ साथ अपनी बीवी को लेकर आए। अल्लाह के नबी तीन चीजों से कुछ खरीद लिया और वहां से निकले और बाजार की तरफ चले गए। अब बाजार में चले हैं, बाजार में चल रहे हैं और एक नौजवान जिससे जिसकी शादी है, क्या उसके दिल से जज्बात होंगे और क्या उसके दिल में कहा होगा। और आदमी की जिस दिन शादी होती है क्योंकि और दिन उसकी चलती है ना चलती है, शादी के दिन बहुत चलती है। अब वो जा रहा है, रास्ते में जब बाजार में पहुंचे तो आवाज पड़ी कानों में, या सैयदुल्लाह इरतदी, या सैयदुल्लाह इरतदी, इला कयादुल्लाह इरतदी, अन्नफीर अन्नफीर, ऐ अल्लाह के सवारे सवार हो जाओ, ऐ अल्लाह के सवारे सवार हो जाओ, अल्लाह की तरफ सवार की रखना में पड़ो तो निकल जाओ निकल जाओ। तो ऐलान हो रहा कि अल्लाह की आग में निकले, अल्लाह की तरफ सवार की रखत में पड़ो, अल्लाह के सवारे सवार हो जाओ। अब जब यह आवाज कान में पड़ी तो अगर साहब रजुल्ला ने उनके कदम नहीं रहते तो ऐसा का कदम आगर नगर की तमा आसमान के अंदर एक नजर डाली और अपने हाथ की मट्टी को खोला, फिर हाथ पर एक नजर की, फिर आसमान को देख रहे, फिर हाथ के पैसों को देख रहे, हाथ के गिरमों को देख रहे और उसके बाद कहने लगे लिया जाला बिना आज भी बड़ा हुआ कि आज इन गिरमों का ऐसा इस्तेमाल करूंगा, ऐसा इस्तेमाल करूंगा कि अल्लाह भी खुश होंगे, अल्लाह के नबी भी राजी होंगे और सारे ईमान वाले खुश हो जाएंगे। क्या जज्बात होंगे दिन में, कैसे जज्बात लेके चले होंगे, लेकिन अल्लाह के दिन का तकाजा पहले है, मेरी अपनी जरूरियात बाद में है, हम अपने घरों को बाद में आबाद करेंगे, हम अल्लाह के दिन को पहले आबाद करेंगे। एक शहर बनाया हुआ था अल्लाह के नबी ने, एक नक्शा बना हुआ था उस माहौल में, उस माजरे का एक नक्शा था, अल्लाह के नबी ने समझाया हुआ था कि जब तुम्हारे कान में आवाज पड़ जाए, जब तुम्हारे कान में मेरी तरफ से आवाज आ जाए, अल्लाह की तरफ से बुलाना आ जाए, तो तुम बेटे नहीं हो, तुम पहले अल्लाह के बंदे हो, तो तुम बाप नहीं हो, तुम पहले अल्लाह के नबी के गुलाम हो, तो तुम किसी की बीवी नहीं हो, पहले अल्लाह की बंदी हो। तो एक गौन बनाया हुआ था अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने, तो एक गौन ये था कि सब कुछ छोड़ देना है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जानिब से आवाज लग गई तो हमको चल देना है, चल दिए। अब उन्हें पैसे का सामान निका काले निका के बाद का सामान लेने की बजाय उन्हें पैसे से अल्लाह की राह का सामान ले लिया, घोड़ा खरीदा, हथियार खरीदे और सवार होते
कि अल्लाह की नबी पहचान लेंगे तो अपने अपने हाथ को कपड़े से लपेट लिया, पूरी तरह कपड़े से लपेट कर आगे बढ़ गए और लश्कर में आगे बढ़ बढ़कर फिर तजाब के साथ लड़ रहे, कादरी के साथ लड़ रहे और सारे लोग कह रहे मरीन मल्ला तीन कपड़े में लिपटा हुआ कौन, ये कौन से सवार है ये बिल्कुल आगे बढ़ बढ़कर दुश्मन की सफों में घुस कर उनकी सफों को पलटाता जा रहा है कौन, किसी को समझ में नहीं आया। जब ये जख्मी हुए कपड़े भी कटे बदन के साथ में, जब जख्मी हुए तो नीचे गिरे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बताया गया कि सात जख्मी आप अलैहिस्सलाम जब वहां पहुंचे देखा कि अगर तो सात है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनके सर को अपने जाने मुबारक का बताया। आप पहले तो उनके शौक में रहे, फिर मुस्कुराए, फिर अपने चेहरे को फेरा और कह रहे कि अल्लाह की कसम ये तो हौस पर पहुंच गया। साहबी रजील्ला कहने लगे कौन से हौस पर पहुंच गया, ये कहाँ पहुंच गया, कहाँ कर गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक हौस पर पहुंच गया कि जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा, तो दूध से ज्यादा सफेद। तो कहने लगे कौन से हौस पर पहुंचा, जो आपने कागज की कसम ये तो हौस पर पहुंच गया। तो अल्लाह के नबी आपने तीन बातें देखी कि पहले तो आप रहे, फिर मुस्कुराए, फिर अपने चेहरे को फेरा, क्या बात। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मैंने इस नौजवान को देखा कि किस जंगलात के पास जा रहा था, मुझे याद आया कि इसके शौक में न रहा कि अल्लाह ताला ने इसको कैसे कबूल कर लिया और ये किस वक्त में कहाँ जा रहा था, तो जब इसके शौक मुझे हुआ तो मैं इसके शौक में रहा। क्या आप मुस्कुराए क्यों, तो मुस्कुराया इसलिए कि अल्लाह ताला के नजदीक मैंने इसका जो मकान देखा, अल्लाह ने इसको जो मकान दिया है कि इस मकान को देख कर मैं मुस्कुराया कि अल्लाह ने इसको कितना बेहतरीन मकान दिया। क्या आपने अपने चेहरे से क्यों फेरा, कि अपने चेहरे से इसलिए फेरा कि अल्लाह ताला ने इसको जो मैंने पता की है कि इसको अल्लाह ने जो दूरी अता की है वो दौड़ कर इसके मिलने के शौक में आगे बढ़ रही है और इस कदर दौड़ रही है कि उनकी पिंडियों से कपड़ा हट गया, तो मैंने अपने चेहरे को फेर लिया कि मेरा नाम मेरे भाई साहब का, ये तो मेरे भाई साहब का। जाओ साहब की दूरी से जा चुके थे कि अल्लाह ताला ने इसको किसके खूबसूरत दूरी अता कर जज्बे की कुर्बानी दी। ऐसे हुए हमारे आप इस मस्जिद में नहीं बैठे और इसी तरीके से दिन हमारे आपके पास नहीं आ गया, बल्कि नौजवानों की नौजवानी लगी है, बुढ़ों ने कुर्बानी दी, बच्चों ने कुर्बानी दी, माओ ने कुर्बानी दी। अगर तो खनका रजिल्ला उन्होंने अपने चार चार बेटों से अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी, कबीलियों ने कैसी कुर्बानी दी, चाहे तो आपका रजिल्ला आना अब्दुल रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का निकाह उनसे हुआ है। अब्दुल रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु तो देवी होकर शायरा मिली, बड़ी खूबसूरत मिली, बड़ी जहीन मिली, तो इसकी मोहब्बत में ऐसे घर से हुए कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे कहा कि बेटे क्या बात है कि तुमने अल्लाह की राह में जाना छोड़ दिया, निकलना ही बंद कर दिया, क्या बात। अगर उनकी अपनी बीवी से मोहब्बत होगी तो उन्हें कहा कि उसे तलाक दे, जो अल्लाह के रास्ते के लिए रुकावट बन गई। तो जब बाप ने कहा तो उन्होंने किसी वजह से उनको अपने से दूर कर दिया और फिर उनके शौक में शेर कहते थे और उनके लिए उनकी याद में शेर कहते रहते थे। एक मरतबा हमारे अभी बता रहे साहब के गुजर गए, उनको नहीं पता, कहने लगे आए आपका तो जब तक सूरज शुरू होता रहूंगा और जब तक गुरु होता रहूंगा तब तक तेरे मोहब्बत मेरे दिल में इसी तरह शुरू और गुरु होती रही। और जैसा रसुल्ला ने सुन लिया फिर बाद में कहा देखे थे कि बेटा इसी कर लो, उसको अपने से करीब कर लो, कभी करीब कर लिया तो ये दे अल्लाह के राम में अल्लाह ताला ने उनको शहादत दे दी। फिर उनकी बीवी ने कहना शुरू कर दिया कि जब तक तुम्हें भी कदम पाती हूँ कि अल्लाह ताला ने तो मुझे जब तक आपसे मिलना न हो कि तब तक ना मैं किसी नर्म कपड़े को पहनूंगी और ना ही मेरे आपके आगे बनूंगी, तो जज्बे की कुर्बानी लगी हर एक ने कुर्बानी दी। बकीर बिन उकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु एक बच्चे छोटा सा बच्चा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम
के शहर में रह रहा है, जब ये हिजरत करके आए थे तो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। सिर्फ बाप है और ये बेटा है, बाप की भी तस्वीर रह गई अल्लाह के रास्ते में जाने, बाप भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ हज के लिए चल रही है। अब जब हज के अंदर से मुसलमान वापस आए, सारा लश्कर वापस आया, तो बच्चे बड़े शौक में चूल्हे पर चढ़ जाते थे कि लश्कर का आता हुआ देखे मुजाहिदीन से मिले, कोई बाप से मिल रहा है, कोई भाई से मिल रहा है, कोई चचा से मिल रहा है, कि अपने रिश्तेदारों से मिलते थे। बकीर बिन उस्माना रज़ी अल्लाह अन्हु वापसी वाले दिन चूल्हे पर चढ़ गए, एक एक लश्कर से गुजरता हुआ देख रहे हैं, एक लश्कर आता है गुजर जाता है, दूसरा आता है गुजर जाता है, तीसरा आता है गुजर जाता है, यहाँ तक के अल्लाह से नबी अलैहिस्सलाम का सीख ले आए, इनके वालिद उनको कोई नजर ही नहीं आए। अल्लाह के नबी से पास आए तो ना मुझे अल्लाह के नबी माजा फाल अभी क्या रसूल अल्लाह माजा फाल अभी मेरे बाप का क्या हुआ, मेरे वालिद कहाँ है? अल्लाह के नबी ने कोई जवाब नहीं दिया, अपने चेहरे से फेरा, वो इधर से आ गए, छोटे बच्चे ही थे इधर से आ गए, कहना लगे या रसूल अल्लाह माजा फाल अभी मेरे वालिद का क्या हुआ, अल्लाह के नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दूसरे वालिद से आ गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह माजा फाल अभी मेरे वालिद का क्या हुआ, अब पैरों से निपट गए, समझ गए कि कोई बात है, रोने लगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नीचे बैठे, कहने लगे कि बकीर अना करेगा हम वकून है वकील अल्लाह आदा का राय का तोड़ने का, तो वकील क्या तो राजू नहीं है कि अल्लाह का रसूल तेरा वालिद है और आयता तेरी माँ है, बच्चे को पूरे नहीं था कि तेरे वालिद सही लोग, इसलिए तो उसका दिल छोटा था, लेकिन उस छोटे से दिल में इतनी बड़ी कुर्बानी भी है जिसका हम और आप तस्वर भी नहीं कर सकते। तो बच्चे की कुर्बानी क्या अगर कसीर जी ने प्रमा रजल्ला उनके दिल में कहा होगा, घर में माँ भी नहीं थी, बाप था वो भी चला गया, लेकिन उस पर उसको मिला क्या है कि उसको अल्लाह के रसूल मिले, उसको माँ की सूरत में अगर से हमने ऐसा रजल्ला ना मिली तो बच्चा इस पर राजी होगा। मैं और आप इस तस्वीर पर राजी नहीं हूँ, हम चाहते हैं कि मेरी दुकान भी ना उजले, मेरा कारोबार भी बढ़ना हो, कि मेरे पेट का पानी भी ना हिले, मेरे कपड़े की स्त्री भी ना टूटे और मेरी पेशानी पर बल भी ना है और अल्लाह का दीन के सारे आलम में जिंदा हो जाए। बुजुर्गो अल्लाह की कसम ये ऐसी ऐसी एक खाब है और ये खाबे में ही अच्छे लगते हैं, हकीकत से इसका दूर का भी ताल्लुक नहीं, सहाबा से जज्बात भी लगे, जान भी लगा, माल भी लगा, हर चीज उन्होंने लगा दी, कि हुक्म आ जाता था तबियत के खिलाफ में तो उस पर भी कायम रहते थे, हुक्म आ जाता था अल्लाह के नबी की जानिब से पुकार लिया जाता जज्बे के खिलाफ तो जज्बे के खिलाफ भी तैयार हो जाते, हैसियत के खिलाफ तो हैसियत के खिलाफ भी तैयार हो जाते, कि हैसियत के खिलाफ क्योंकि हैसियत को बता नहीं करता मशोरे को बता करता, अल्लाह की कसम से जो हैसियत से दबाव में करता है वो मशोरे से दबा करता है, इसलिए से वो काम शख्सियत साबिता नहीं शख्सियत सोबिता है, तो इसमें अपनी हैसियत को शख्सियत को निकाना पड़ेगा, तब अल्लाह ताला उससे काम लें। क्या हजरत अमर बिन साद रजल्ला क्या एक हैसियत है गवर्नर है सिंध के, हजरत अमर रजल्ला ने भेजा एक साल के लिए, एक साल हो गया कोई खबर नहीं आई, तो अपने मुंशी को बुलाया, उनके नाम खत लिखा कि अमर को लिखो और मुंशी की लाइन में यह भी लिखना कि जैसे ही खत मिले मुंशी रखने से पहले चल देना, खत मुंशी मत रखना, जैसे ही खत कर ले उसी सूरत में चल देना, जो भी हैया पे चल देना। अमर रजल्ला को जब खत मिला पड़ा मुंशी अमीर का हुक्म था उसको पड़ा और वैसे ही खत लेकर चल दी, इन समय जब निकल रहे बाजार से, बाजार में लोगों ने देखा वो तो यही समझ रहे थे गवर्नर साहब का जैसे ही चल पी रहे होंगे, उन्हें क्या पता कि शहर छोड़ के जा रहे हैं मिल के छोड़ के जा रहे हैं, वैसे ही निकल गए, न सवारी ली न घोड़ा लिया कुछ भी नहीं लिया, वैसे ही निकल गए। एक साल का सफर पैदल करके जब मदीना पहुंचे अरे तो अमर रजल्ला के पास में बाल बिखरे हुए चेहरे की रंगत बदल गई है,
हैयत और हालत बिल्कुल तब्दील हो गई। इस हालत में पहुंचे अमर रजल्ला ने पहचान लिया कि उमर अपने साथी को पहचानते थे और सभी कम हो जाता गायब हो जाता और हम उसकी दिशा करते नमाज में नजर नहीं आए और वालदा के पास पहुंचते। तो सलमान का जो आज मैं नकलें पढ़ रहा था सुबह नमाज में आने से काफी रह गई पैताई हो गई कि नहीं पहुंच सका कि अपने साथी को पहचानते थे और पहचान लिया। तो अमर बिन साहब से कहा कि जिस काम के लिए भेजा था कर क्या है। कहा कि हाँ। कहा कि माल कहाँ है जकात का जो जमा कर रहे थे। क्या अमीर मोमिनीन ने उसमें आपका हस्ता न मेरा हस्ता जिसका हस्ता उनको पहुँचा के आया कि क्या बात है। क्या अमीरों से लिया गरीबों ने दे दिया सारे रही से रही बात क्या आ गया कि अपने लिए कुछ रखा था नहीं कि अपने लिए कोई रखता मेरा हस्ता तो यकीन नहीं था। कहा कि अच्छा ठीक है। उनका झोला देखा गया सामान देखा गया तो इतने एक लोटा था उसी के लिए और खिलाती थी दस दस हजार का सामान तो इससे ज्यादा कुछ नहीं था। कहने लगे ठीक है अच्छा जाओ। अब उनको भेज दिया। एक आदमी को बुलाया हारिस नाम के कहने लगे कि जाओ उनके पीछे उनके घर जाओ और उनके घर पर तीन दिन मेहमान देना और ये देखना कि खाने की किसम के कपड़े हैं। अगर मामूल के मुताबिक है तो फिर 3,000 लेकर जाए उनको दिया। अगर मामूल के मुताबिक नहीं है ज्यादा ऊंचे लेवल के तो फिर आके हमें खबर कर देना। अब ये गए जाकर देखा 3 दिन मेहमान गए उन्होंने खैर सहूलियत भी अमीर मामले का क्या हाल है। कहा तो ठीक है सारी बातें हुई। कहा कि 3 दिन तैयार करना चाहता हूँ। एक रोटी अल्लाह से आरिफ के पास आ जाती ये उसको खा लेते। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। चौथे दिन उनसे कह दिया कि भाई आरिफ मेहमान को अल्लाह की तरफ से बड़ी फजीलत की थी लेकिन हम 3 दिन से ज्यादा पाका बर्दाश्त नहीं कर सकते। कैसी रोटी बनती थी मैं और मेरी बीवी इसमें गुजारा कर लेते थे। आप मेहमान हो गए तो आपको दे दी जाती। आरिफ रोने लगे कहने लगे कि ये बात थी कि हमें 3,000 रुपया की अमीर मोमिनों ने दी थी क्या मैं उसके घर का हालात देखना और उनको दे देना और सारी बात बता दी कि मैं क्यों मेहमान हुआ था। हालांकि हमें ने सारा से सारा माल दिया और कहा कि मैं इसका क्या करूंगा कि मेरे घर में तो कोई तिजोरी भी नहीं है कोई संदूक भी नहीं है और कोई रखने की जगह भी नहीं है। और सारा माल दिया बीवी ने अंदर से कपड़े का टुकड़ा दिया तो उस कपड़े के टुकड़े में उसको बांधा और लेके चले गए। और जाके माजरी उनके बच्चों ने सारा तकसीम करके आ गए। कुछ भी अपने लिए नहीं रखा कुछ भी नहीं बचाया। साहब को पता था कि हम यहाँ बिल्डिंगें बनाने नहीं आए हम यहाँ इमारतें खड़ी करने नहीं आए हम यहाँ एक कारखाने से दो कारखाने करने नहीं आए हम यहाँ दो से चार करने नहीं आए। मन तलब दुनिया हलालन मुकाशिरन मुकाशिरन मुरायन तो जितनी हलाल तरीके से माल कमाया कोई दो नंबर ही नहीं की कोई झूठ नहीं बोला कुछ भी का आकर नहीं मारा कि रात दिन जाग कर मेहनत करके आके फेर के माल कमाया। लेकिन नीयत ये थी मुकाशिरन कि मेरा माल बढ़ जाए 2 लाख से 4 लाख हो जाए 10 से 20 हो जाए एक दुकान की 2 दुकान हो जाए एक कारखाने का 2 कारखाना हो जाए। नीयत ये हो माल से बढ़ाने की मुकाशिरन कि नीयत ये है कि लोग देखे तो कहे कि हाँ भाई उनके पास भी कुछ है। नीयत ये थी कि सारे लोग के अपनी अपनी बाइक से चले मैं अपनी बुलेट निकाली तो लोग देखे चाहे उनके पास भी कुछ है। मुकाशिरन बढ़ाई की नीयत थी मुरायन उतराने की नीयत थी। अगर इस नीयत के साथ कमा रहा है लकी अल्लाह तो जब अल्लाह ताला से मिलेगा अल्लाह ताला उससे सबसे नाराज हूँ अल्लाह उससे सबसे नाराज हूँ। साहबा को ये बात समझ में आ गई सारे माल को तकसीम करके वापस आ गए। आए तो हारिफ भी बैठे कि सारे तकसीम कर दिया कि हाँ सारा तकसीम करके आ गया और फिर हजरत हारिफ उठ कर चले गए। अमीर उलमोमिनीन के पास गए उनको सारी बातें बता दी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब सारा मामला सुना तो फिर उनको बुलाना भेजा। कहा कि उमर मैं तुम्हें एक इलाके का गवर्नर बना रहा हूँ तुम्हें इस इलाके में जाना है। कहा कि अमीर उलमोमिनीन मैं गवर्नर नहीं बनना चाहता ना आपके वक्त में ना आपके बाद किसी खलीफा के वक्त में।
कहा तो क्यों नहीं बनना चाहते? तो इसलिए नहीं बनना चाहता, क्या आपने मुझे अहदा दे दिया था, हैसियत वाला बना दिया था, तो एक यहूदी को मैंने बुरा भला कह दिया था, हैसियत मेरे पास थी इसलिए मैंने यहूदी को बुरा भला कह दिया था। वो यहूदी से बुरा भला कहने पर अपने आप को मलामत कर रहे हैं, यहाँ ईमान वाले को अपने साथी को बुरा कहने पर भी कोई मलामत नहीं, कोई मलामत नहीं। हजरत अमन ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो फिर हजरत अमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको कुछ गल्ला देना चाहा, कहा कि अमीरुल मोमिनीन मेरे नजदीक इतना गल्ला तो है कि मेरा आज का पान चल जाए, कहाँ से ले के चले जाओ, तो मैं नहीं लेना चाहता, तो पैसे देना चाहे पैसे भी ना दिए। फिर जाने लगे, फिर वापस आए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन हाँ अच्छा आप मुझे कपड़े दे दीजिए, तो कपड़े से तो मेरी बीवी के पास कपड़े नहीं, कपड़े दे दिए, कपड़े लेकर चले गए। कुछ दिनों के बाद यह खबर मिली कि हजरत अमर बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया। हजरत अमर रज़ियल्लाहु अन्हु को खबर मिली, आप भी गए जनाजे में शरीक हुए और आपने ये कहा कि सब अपनी अपनी ख्वाहिश को जाहिर करो। किसी ने कहा कि कहा कि अल्लाह ताला मुझे इतनी ताकत देते कि मैं गंगम के कुएं से पानी निकालता जाता, खींचता जाता और अल्लाह की राह में आने वाले को पिलाता जाता। किसी ने कहा कि अल्लाह ताला मुझे इतना माल दे देते कि मैं कमरे के एक तादाद बताई तो इतना माल दे देते तो इस तादाद के बराबर माल को मैं पूरा जो पूरा अल्लाह के राह में लगाता, कुछ भी अपने पास नहीं रखता। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा, आखिर उन्हें हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा तो मेरी ख्वाहिश ये है कि है साथ अल्लाह ताला मुझे उमर बिन साद जैसे और आदमी दे देते, उमर बिन साद जैसे आदमी मेरे पास होते तो मैं उनसे अल्लाह के दिन के तकाजों का काम लेता। तो ऐसे आदमी चाहिए, ऐसे आदमी चाहिए जो अपनी चाहत के जज्बों के खिलाफ अल्लाह के हुक्म को लेकर खड़े हो जाए, वो आदमी चाहिए। ये कभी नहीं हो सकता कि तजारत भी चलती रहे और अल्लाह के दीन का काम, अल्लाह का कलमा और अल्लाह के दीन के तकाजे बुलंद भी होते रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमसे ज्यादा सहाबा को पता था, अगर ऐसा होता तो फिर अगर तो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर का हाल ये क्यों होता, अगर हुसैन भूख के क्यों बिलखते होते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को पेशकश की जा रही कि आप अगर चाहेंगे तो मक्का के पहाड़ों को सोने का बना दिया जाए, आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ वो पाए चलते रहेंगे। आपने कहा सुनू अभी अभी यौमन अजय यौमन कि मैं एक दिन भूखा रहूँगा और एक दिन खाऊंगा, ये मुझे ज्यादा पसंद है। कि आपकी फिक्रत ये है और हमारी फिक्र ये है कि पहले मेरे कारोबार की तरतीब बन जाए, फिर मैं सालाना चिल्ला दे दूंगा, फिर मैं सालाना वक्त लगा दूंगा, अभी मेरी तरतीब नहीं आई। तरतीब पर निकलना ये हमारे आपके जमाने का काम है। सादा तो दो तरतीब निकलते थे, कान में आवाज पड़ जाती थी निकल जाते थे। हजरत अंगला रज़ियल्लाहु अन्हु कि अगर वो मशोरे करते रहते तो वसीले मलाइका नहीं कहलाते, मशोरे का वक्त नहीं लेते थे। मशोरे का काम चौथे नंबर का है, हम उसको पहले नंबर पे करते। पहले नंबर का काम है पक्का इरादा करना, दूसरे नंबर का काम यह है कि अपनी उंगली को जमा करना ताकि शैतान की कमर टूट जाए। जब उसकी कमर टूटेंगी तो इधर ही पड़ा रहेगा, न घर में बीवी को बहकाएंगा, न बाप को और न ही किसी को और न ही कोई उग्र लेकर आएंगे, वही उसकी कमर टूट जाएंगी वहीं पड़ा रहेगा। और तीसरे नंबर का काम यह है कि सदका दे दिया जाए ताकि अल्लाह की मदद साथ हो जाए, जाने वाली बलाएं मुसीबतें और हालात अल्लाह पहले ही दूर कर दे। चौथे नंबर का काम मशोरे का है, तो अगर अंगला अगर मशोरे करते रहते तो वसीले मलाइका नहीं कहलाते। कितना वक्त लगता है जिसने के करने में, कितना वक्त लगता है, 5 मिनट का वक्त लगता है, 10 मिनट का वक्त लगता है। अगर तो अंगला ने इतना भी इंतजार में किया फौरन चले गए। एक आदमी मिला राजस्थान में, कहने लगा कि 3 मिनट में मैं नहा के बाहर आ जाता हूँ, 3 मिनट में नहा के बाहर आ जाता हूँ, तो मस्जिद में इतने मिनट में पहुंचना है, इतने मिनट में मस्जिद से बाहर आना है, उसने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है। क्यों? कि दुनिया कमाने के लिए वक्त नहीं बच रहा है, फिर हर चीज का उसने टाइम बना के रखा है कि इतना वक्त दुकान को देना है, इतना वक्त मस्जिद को देना है, इतने वक्त में नहाना है, 3 मिनट के अंदर नहा लेता है। अगर तो अंगला इतना भी नहीं रुके, जैसे ही कान में आवाज पड़ी फौरन चले गए, तो अल्लाह ने फरिश्तों का गुस्ल नसीब कर दिया।
कि अगर हम और आप मशवरे करते रह जाएंगे तो फिर बातिल की अपनी मेहनत तो चली रही, बातिल की अपनी मेहनत हमारे घरों तक पहुँच गई है, हमारे जेब तक पहुँच गई है, हमारे घरों के अंदर बातिल हो गई और फिर उनकी मेहनत वो असर जुटा रही है जिससे हम और आप अक्सर के साथ उसके तस्करे करते फिर रहे हैं। ये उसके तस्करे करने का वक्त नहीं है बल्कि ये हिम्मत में निकलकर अल्लाह की बड़ाई से अल्लाह की तिगराई उसके तस्करे करने का वक्त है। लोग मायूस हो चुके तो उनके अंदर जाना है और उनमें अल्लाह की बड़ाई तिगराई के तस्करे करना है। ये साहबा ने कुर्बानी की हैसियत के खिलाफ दी, जज्बे के खिलाफ दी। एक जंग में साहबा आए, बड़ी भूख लगी है और फिर हांडियाँ चढ़ा दी गई और उस वक्त गधे का गोश्त खराब नहीं था, गधे के गोश्त को चढ़ा दिया गया काट काट कर। अब सारे लोग इंतजार में कि हांडियाँ पक जाए फिर सारे खाना नोश फरमा ले, सारे खाना तनावल फरमा ले। अब जब ये हांडियाँ पक रही है उसी वक्त में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने वही भेजी कि गधे का गोश्त खराब हो चुका है। अल्लाह के नबी ने आदमी को दौड़ा दिया तो जाओ भाई उनको रोको। वो आदमी आए उस वक्त में पहुंचा जब इनके सामने खाना लाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। अब ये जज्बे की कुर्बानी है। अब इनके सामने लेकर आया हुआ खाना और वो उसने आकर कहा कि भाई गधे का गोश्त खराब हो चुका है। अब एक भी आदमी ऐसा नहीं था कि जिसने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया। हमारे हाथ जैसे नहीं थे कि काटने के वक्त तो हलाल था ना, काटने के वक्त हलाल खा सकते, ऐसा नहीं था वहाँ। अल्लाह के नबी ने कह दिया तो बस करना है, समझ में आई या नहीं समझ में आई। एक साहबिया को पता चला कि पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया है तो यहाँ से घर भी नहीं गई, वहीं चादर मंगवाई, चादर को उसी जगह मंगवाया और उसी जगह से पर्दा शुरू कर दिया। मालूम नहीं होता इसलिए इतनी ताकीर हो गई, नहीं तो घर से ही पर्दा करके आती। तो जैसे ही पता चल जाता जो हुक्म आ जाता उस पर लपेट कर देते, अपने आप को नहीं देखते थे, अपने जान माल को नहीं देखते थे, बल्कि ये देखते थे कि अल्लाह के दिन का तकाजा कैसे पूरा हो गया। एक ताबे के बारे में आता है कि उनकी तस्वीर हो गई मस्जिद में, घर आए बेगम से कहने लगे कि बेगम तुर्किस्तान के लिए तस्वीर हो गई। तो उन्होंने कहा कि मैं तो हमला हूँ, कहाँ से तू भी और तेरे अंदर जो कुछ भी है तब अल्लाह की अमान नहीं। तो उसने इन्हीं कहा कि राशन के इंतजाम कर दो या मैं से पहुँचा दो, उसका भी जहन बना हुआ था। कहने लगे फिर जाइए, अल्लाह ताला जाए नहीं करेंगे। अपने हाथ से उसकी घोड़े की जहन भी लगाई, उसको कपड़े भी पहनाए और उनको रवाना कर दिया अगर से फरोज को। अभी अपने घर से निकले और अल्लाह की राह में चले गए। अब इनकी बीवी अकेली है घर पर और हामला भी है। कुछ दिनों के बाद खबर मिलती है कि परोग कैद हो गए, कुछ दिनों के बाद खबर मिलती है कि नहीं वो तो शहीद कर दिए गए, कुछ दिनों के बाद खबर मिलती है कि नहीं शहादत की खबर झूठी थी वो तो किसी भी कैद में। घर की कोई पक्की खबर नहीं पहुंची। उनकी बीवी ने दूसरा मुकाबला नहीं किया, अपनी सारी जवानी दीवारों के साथ पकड़ कर दी, ये जज्बे की कुर्बानी, सारी जिंदगी काट दी। अब बालों में भी चांदनी आ गई और सारी जवानी जो थी वो खत्म हो गई अल्लाह के दीन के नाम पर। आदमी चला गया अल्लाह की राह में, जमानत देकर गया था और जो पैसे देकर गए थे उन्हीं पैसों में बच्चे को बड़ा किया, उसको पढ़ाया लिखाया, उसको आलिम बनाया। वो बच्चा बड़ा हो गया। अब 27 या 30 साल के बाद एक बूढ़ा मदीने के अंदर दाखिल हो रहा है। मदीने में एक खामोशी का माहौल है। एक बूढ़ा दाखिल हुआ, क्या उसके दिल के जज्बात होंगे जब अपने घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा रहा है और ये देखता जा रहा है कि वही हम बैठे बैठा करते थे, वही हमारे दोस्त मिला करते थे, ये वही जगह है, ये वही बाजार है जिसमें हम रहा करते थे, जिससे सामान लिया करते थे, ये सारी जगह तो वही मालूम हो रही है। क्या दिल कह रहा हूँ, क्या जज्बात होंगे। अभी अंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं, अभी मैं गली नजर आई, लगते ही रहा है कि हमारे घर की गली है। अब आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए तो देखा एक घर नजर आया, 30 साल 27 साल पहले का नक्शा जहन में आया। सोचा कि मेरा अपना ही घर है। अभी उतर कर अंदर आ गए,
हथियारों की धमकार से, घोड़े की आवाज से जो नौजवान सो रहा था अंदर, उसकी आँख खुल गई। उसने जैसे देखा चांद किसानों ने जो बड़े मियाँ हैं हथियारों के साथ है और घर के अंदर तक आ पहुंचे हैं, तो खड़े हो गया। कहने लगा शरण नहीं आती इस बुढ़ापे के अंदर, ईमान वाले के घर में बिजल इजाजत के दाखिल होते, वो भी हथियारों के साथ। ऐसे करके आ धमके। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। कहने लगे बेटा मुझे तो ये लगा था कि मेरा ही घर है। तो उसने कहा अच्छा वो इसके घर में दाखिल हो गए और अब ये नहीं कह रहे कि मेरा ही घर है। चोरी तो चोरी उसका सुना दे रही, क्या ये नहीं कह रहे कि मेरा ही घर है। अब ये दब रहे हैं और वो इन पर चपट रहे हैं। अब ये अपने आप को वहां से निकालना चाह रहे हैं और वो इनको छोड़ना ही नहीं चाह रहे। अब इसी बात के अंदर ये आता पाई में ऊपर जो इनकी वालदा सो रही थी, उन्होंने जैसे खिड़की को खोला तो फरोज का चेहरा इनको नजर आ गया। 30 साल पहले का पूरा नक्शा जहन में घूम गया। एक नौजवान था जो वो आया और देवी से कहा कि तुर्किस्तान की तफसील हो गई है, तुर्किस्तान जाना है। तो उसने एक अमानत मुझे दी थी और वो जा रहा था तो घर में बाकी का और कुछ इंतजाम नहीं था, कुछ रुपए उसने दिए थे बस, और कोई था नहीं दिल लगाने वाला। दीवारों के साथ जिसके लिए मैंने जिंदगी काट दी, कभी खबर मिल गई कि कैद हो गया, कभी खबर मिल गई कि उसको शहीद कर दिया गया, कभी खबर मिल गई कि उनकी वापसी है। तो सारा नक्शा जहन में आ गया। वहां से पुकार कर कहा कि रबिया कि ये तो तुम्हारे वालिद करोगे। अब क्या बात, बेटे की मुलाकात का मंजर है। जमीन आसमान में ऐसे मंजर नहीं देते होंगे। बाप बेटे से लिपटा हुआ है, बेटा बाप से लिपटा हुआ है और दोनों के आंसू जारी। क्या आसमान जमीन तीनों ने ऐसे मंजर नहीं देखे। अल्लाह के कसम ऐसे मंजर के लिए जमीन आसमान तड़प गए। जमीन पुकार पुकार कर कह रही है कि तुम्हें अल्लाह ने कितने भेजा था, तुम क्या कर रहे। तुम्हें अल्लाह ने बैंक बैलेंस के लिए नहीं भेजा था, तुम्हें अल्लाह ने गाड़ियों के लिए नहीं भेजा था कि गाड़ियों से मोबाइल से अपने शौक को पूरा करो और अल्लाह का दिन मिलता रहे, इसलिए नहीं भेजा था। क्या बात, बेटे की मुलाकात का मंजर है। बेटा बाप से बगल दूर हो रहा है, बाप बेटे से चूम रहा है, मुलाकात कर रहा है। क्या आसमान जमीन इस मंजर को तड़प रहे। उम्मत का ये खमियाजा आज इस उम्मत को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि मंजर इस उम्मत से होगा लोग कैसे मंजर के लिए जमीन तड़प रही है। अब बाप और बेटे रात और रात पूरी की पूरी आंखों के आंखों में बातों की बातों में गुजर गई। अब बेटे जल्दी उठ के फजर के लिए तशरीफ ले गए, बाप पीछे गए। अब नमाज हुई, नमाज के बाद में बेटे नजर कमजोर हो चुकी थी, कमजोर हो गई थी नजर। देखा जो एक हल्का लगा हुआ है, उस हल्के के अंदर एक नौजवान आलिम दर्द दे रहे और बहुत सारा मजमा उनके सामने बैठा हुआ है। हम सब बातें सुनी, बड़ा शौक हुआ। एक बच्चे से पूछा कि बेटा ये कौन है, क्या आप नहीं जानते, मदीने में नए हो गया, आप नहीं जानते उन्हें। कहने लगे बेटा नहीं मदीने का ही हूँ, आए बड़ी देर में। बेटा हूँ तो नहीं मदीने का ही लेकिन आए बड़ी देर में आया। कहने लगे आप नहीं जानते। जल्दी जल्दी में उसने बाप का नाम लगाना भूल गया, वरना अरबों की आदत है कि बेटे के साथ बाप का नाम भी बताते। कहने लगा ये तो मुसलमानों के इमाम हजरत रबिया है। कहा के रबिया, कहा के हाँ, कि किसके बेटे है, कि ये उनके बेटे है जो कई साल पहले अल्लाह की राह में चले गए थे और उसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं है। तो अच्छा ये उनके बेटे हैं। कहा ये फरोज के बेटे। बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह ताला से नाम पर मैं जिसको छोड़कर गया था, अल्लाह ने वो मेहनत मुझे इस कदर वापस कर दी, इतनी बेहतरीन हालत ने उसको वापस कर दिया। बड़ी खुशी हुई कि जज्बात की कुर्बानी लगी, हर एक ने अपने हिस्से की कुर्बानी दी है। बाप है तो उतने कुर्बानी दी है, बेटा है तो उतने कुर्बानी दी है, बीवी है तो उतने कुर्बानी दी है, बच्चा है तो उतने कुर्बानी दी। खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जज्बे की कुर्बानी दी। आपके सामने एक नौजवान आया कपड़ों में लिपटा हुआ, कोई उसको जानता नहीं है। आकर बैठा,
कहने लगा अशहद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह। आपने कल उठाया ये देखा कौन है, उसने कपड़े को हटाए, लोगों ने पहचान लिया कि तो वासी है। तो आपने कहा है वासी अंता कि तो वासी है, कहने लगा हाँ। आपको फौज का मंजर याद आ गया, आपको अपने चचा याद आ गए, तुम्हें लगे कि तो बता मेरा चचा तो शेर था, तुमने हम पर काबू कैसे पाया था। तो कहने लगा अल्लाह के नबी तुम्हें तो आपके चचा को तोते में भी मार नहीं सकता था, मैं तो खाबो खवाले में भी सोचा नहीं था, लेकिन मुझे जो नाम दिए गए थे उनमें उनका भी नाम था। कहाँ ये गया था कि मोहम्मद को नाउज़ुबिल्लाह कभी को और हमजा को कत्ल कर देना, आज़ादी भी मिलेगी माल भी मिलेगा। मतीन बिन आदि ने कहा था कि इन तीनों में से किसी का भी कर ले आना तो आज़ाद हो जाएंगे। इंदा ने भी भेजा था आज़ादी का लालच देकर। अब अल्लाह के नबी के सामने चचा का कातिल बैठा है और आदमी जिसने कत्ल का ऐलान किया था वो बैठा है, लेकिन कलमा पढ़ चुका है, कलमा पढ़ चुका है कि चचा कि जिनकी शहादत पर आप इतना रहे इतना रहे कि आपके सामने जब मक्के में जब मदीने में आए तो मदीने के घरों से रहने वालों की आवाज़ें आ रही कि आज ऐसा दिन है कि मेरे चचा पे कोई रहने वाला भी नहीं है, आप आवाज़ करो अपने चचा की शहादत पर। और वो कातिल सामने बैठा हुआ है, क्या जज्बात होंगे। उसके बाद भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब उससे पूछा तो उसने बताया कि मुझे तीन लोगों का नाम दिया गया था, पहले तो मैं आपकी तरफ आया, मैंने देखा कि सब लोग आपको घेरे में लिए हुए थे, मैं आप तक नहीं पहुंच सकता था, तो मैं अली की तरफ पड़ा। अली को मैंने जब देखा तो अली तलवार चलाते हुए इतने चौकन्ना थे कि जैसे जैसे तलवार घूमती थी उसी तरफ उनकी निगाह घूमती। मैंने काफ़ी देर इंतज़ार किया मगर मुझे ये लगा कि ये गाफिल नहीं हुए, तो मैं उनको छोड़कर चला आया। फिर मैं इधर उधर फिर रहा था कि हजरत हमजा पर नज़र पड़ गई, तो मैं उनकी ताक में घात लगाकर बैठ गया कि अगर काफिल हो तो मेरे नीचे की जगह में आए। लेकिन वह इतनी बादरी से लड़ रहे थे कि दोनों हाथों में तलवार थी और जिस तरफ बढ़ते चले जाते थे दुश्मन की टपों की टपों पलट जाती। आप इसी तरह लड़ रहे थे कि एक काफिर ने ताना दिया, एक काफिर ने ताना दिया कि इनको दान दान के मारो, इनको दान दान के मारो। हजरत हमजा ने सुना तो कहने लगे ओ फतना कराने वाली के बेटे इधर आज मैं तुझको बताता हूँ कैसे मारते। अब जैसे इसी तरह पड़े और वो तलवार चलाई तो तलवार ऐसे चली इतनी रफ्तार से इतनी स्पीड से तलवार चली है कि उसकी गर्दन भी अलग हो गई और तलवार को गया के खून भी ना लगा, इतनी रफ्तार से तलवार चलाई। तो वासी ने देखा लेकिन तलवार चलाते हुए आप इस जानिब से दाखिल हुए और फिर वासी ने अपने नीजे का इस्तेमाल कर लिया। वो गया उसकी हाथों को चीरता हुआ चार पार हो गया। आपने ये निगाह घुमा कर देखा उसको तो वासी पर निगाह पड़ गई, वासी को देखा तो वासी को यह लगा कि आपको नहीं कोई खैर ही नहीं है, लेकिन ऐसे वक्त उनको खून की उल्टी आ गई। वासी समझ गया कि मेरा काम हो गया और मुझे को यही छोड़कर चल दिया। बाद में हिंदा आ गई, हिंदा ने आकर नाक कान काट लिए, आपके कलेजे को निकाला और चबा गई। ये दिन मेरे आप तक कहते ही नहीं आ गया, घरों से घर उजड़े हैं, औलाद की औलाद जबा हुई है, कई बीवियों ने अपने शोहरों की कुर्बानी दी है, तो बेड़ा हुई है, बच्चे यतीम हुए हैं, घर से घर उजड़ गए हैं, कलेजे को चबाया गया है, कान नाक को काटा गया है, तब कई मैं और आप इस मस्जिद में बैठे हैं। तो दिन हल्के नहीं आ गया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के चचा है और उनके कलेजे को चबाया जा रहा है। और चबाने के बाद कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जब मालूम हुआ आप तशरीफ ले गए, आप आवाज से रोने लगे। वो भी कहा कि अगर सफिया का डर न होता तो मैं उन्हें बतन नहीं करता ऐसे ही छोड़ कर आता कि अल्लाह तेरे दिन के लिए अपने चचा को मैंने इस तरह मतलब की हालत में ना कान कटा हुआ वहां छोड़ कर आया कि आपके चचा की कुर्बानी लगी और वो कातिल आपके सामने बैठा हुआ।
उसके बाद भी तो जिसको देखने की ताज नहीं है उसको अभी जन्नत का वारिस बनाया, बल्कि साधु बनाया, साधु बन गया है। उसके बाद आपने उससे कहा कि तुझे देख कर मुझे अपना चचा याद आ जाता है। तो गुजारिश ये है कि जब भी हमारी मजलिस में आया करे तो हमसे पीछे बैठा करे, इस तरह बैठा करे तो हमारी निगाह ना पड़े। तो जिस पर निगाह डालने की हिम्मत नहीं है उसको जन्नत का वारिस बनाया। ये फिक्र है, ये कम है, ये पुलन है, ये तरीका है आप अलैहि सलातु व सलाम का। तो ऐसे उसके पास जाना है और ऐसे उसको अल्लाह के बंदे को अल्लाह से जोड़ना है। अल्लाह के नबी अलैहि सलातु व सलाम की यह सबसे बड़ी सुन्नत है अल्लाह के बंदे को अल्लाह से जोड़ना, बल्कि तमाम अम्बिया अलैहि सलातु व सलाम की मेहनत का खुलासा सिर्फ ये दो चीजें है। एक तो अल्लाह के बंदे को अल्लाह का तारीफ कराना, दूसरे अल्लाह के बंदे को अल्लाह के रास्ते पर लाना। अल्लाह के रास्ते क्या है कि अल्लाह का दीन है, अल्लाह के रास्ते क्या है कि नबी अलैहि सलातु व सलाम का तरीका है, अल्लाह के रास्ते क्या है कि वह अल्लाह के आकाम है। कैसे उसको इस पर लाना है, चल फिर करो, करिया करिया, गाँव गाँव, शहर शहर, हर इलाके में जाना, हर इलाके में जाना है, नुसरत के इलाकों में नहीं बल्कि ऐसे इलाकों में जाना है जो इंतहाई बंजर है, जहाँ जाने की इंतहाई ज्यादा जरूरत है, जहाँ पर लोग मोहताज हो रहे हो, किसी को कलमे का आटा पता ना हो, ऐसे इलाकों में जाना है जहाँ कोई हमको पूछे भी ना, जहाँ कोई पाने के लिए पूछे ना, खाने के लिए पूछे, जहाँ कोई एहतराम की सूरत ना, ऐसे इलाके में जाना। तो इलाकों के इलाके भरे पड़े हर जगह से, हर इलाके में ऐसा फिक्र ऐसा इस्तेदाद फैल रहा है, हमें आपको पता ही नहीं है, हम अपनी आपकी अपनी जिंदगी में मस्त है, हमें कुछ पता ही नहीं है। ऐसे ऐसे इलाकों में जाना हुआ तो ऐसे एक आदमी के दो नाम है, और जब उनसे पुकारा जाए उनका नाम लेकर तो भाई सभी भाई है तो नहीं है, उनका घर ही नहीं है ये। जब उनसे मुलाकात हो तो वो कहते हैं कि मेरे बेटे को मेरा मुस्लिम नाम पता नहीं। ऐसे ऐसे इलाकों में जाना हुआ ऐसे एक आदमी के दो नाम है, रहबर लेकर जाता है कि आस पास में भगवा कपड़े लपेटे हुए आदमी की मूर्ति, बाप की मूर्ति रखी हुई, और जब उनके पास जाते हैं और घरों में मंदिर बने हुए और इधर उधर फोटो लगे हुए उन देवी देवताओं को जब बुलाया जाता है, बुला जाता है तो वो कहते हैं कि आपका नाम क्या है, कि मदन लाल, कि मदन लाल। तो रहबर कहता है कि नहीं वो वाला नाम बता। तो वो कहता है कि नहीं मेरा नाम तुझे नहीं, तब वो नाम बताता है। तो ये हालात है, ऐसे इलाकों में जाने की जरूरत है, ऐसे इलाकों में घूमने की जरूरत है। तो मेरे आपकी की जिंदगी तुझे जिस जिंदगी को हम गुजार रहे हैं तो मेरे ऊपर तो दीदी की, बच्चों की, कारोबार की, घर की और अपने इलाके की जिम्मेदारी है। तो इन इलाकों में मैं ही तो हूँ, मैं ही तो करने वाला हूँ, और कौन करेगा? मैं नहीं करूँगा तो कौन करूँगा? मैं निकल जाऊँगा तो फिर कैसे होगा, कैसे चलूँगा? हम पर इतने हालात नहीं है जितने ताजा करते। अगर शादी रजील्लान और अगर अब्दुल्ला रजील्लान में पूरा अंदाजी चल रही है, सात बेटियां है और बीवी का भी इंतकाल हो चुका है, हर एक बेटा है 15-16 साल का या 14 साल का, वो तो जाबिर दिन का नाम है। और बाप बेटे ये चाह रहे हैं कि मैं चला जाऊँ अल्लाह की राह में, बाप चाहता है कि मैं चला जाऊँ अल्लाह की राह में। तो कुरान अंदाजी कर लेते हैं, कुरान अंदाजी करती जा रही है। बेटा बाप से कह रहा है, बाप बेटे से कह रहा है कि बेटा यहाँ जन्नत का मसला है, मैं तेरे लिए जन्नत नहीं छोड़ सकता। बेटा बाप से कह रहा है कि अब्बा जान मेरे सामने भी यही मसला है, मैं आपके लिए अपनी जन्नत नहीं छोड़ सकता। कुरान बाजी की गई, अगर अब्दुल्ला चले गए अल्लाह के नबी के साथ गए, अहद में शहीद हो गए, अहद में कुफार को यकीन हुआ कि चलो आधा काम तो हमने कर ही दिया है, हम रौल असद में जाकर ठहर गए, वहाँ से अल्लाह के नबी को खबर लग गई कि अभी सुखान के इरादे जो है तो क्यों ना आगे बढ़ के पूरा ही काम तमाम कर दिया जाए। आपने शहादत को तैयार किया, अभी जख्मों से चूर है, अभी हथियार भी नहीं उतारे, अभी फंसे हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं और शहीदों के घर में है, किसी किसी के घर में तो कोई भी नहीं बचा है। तो ऐसे हालात है और इसमें अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि हथियारों को उतारे मत, वैसे चलना है,
जो जो हमारे साथ फौज में थे अंग्रेज लकड़ में उन्हीं से चलना, अगर तू जाकिर आए पता चल गया था कि मेरे वालिद को अल्लाह ने कबूल कर लिया। कहा कि अल्लाह के नबी हम भी चलेंगे। अल्लाह के नबी ने उनको जवाब नहीं दिया। अल्लाह के नबी से कह रहे थे हम भी चलेंगे और भी शहीद हो गए साथ में। हालांकि उनके पीछे सात बहने है, यहूदियों का बाप पर कर्जा है, सात बहनों की जिम्मेदारी है, माँ भी ने यह बाप था वो भी चला गया। ऐसे हालात में निकल गए अल्लाह की राह, ऐसे हालात में निकल गए। हमारे आप पर तो इतने हालात भी नहीं, हमारी आपकी तो इतनी परेशानी और मजबूरी भी नहीं जितनी से सहाबा के सामने थी। जो हजरत जाबिर है नादार से मुखलिस साहबी है, इनके पास कुछ भी नहीं है, इनकी उतनी भी कमजोर है, इस उतनी को लेकर लश्कर के साथ चल रहे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं। अल्लाह के नबी ने देखा कहा भले सलाह के सलाम है कि टन लेकर ये टन लेकर वापस पीछे गए। जाबिर की उतनी से थोड़ा सा मुझे लगाया और उतनी ऐसे दौड़ी के सबसे आगे पहुंच गई। फिर अपनी सवारी को दौड़ाकर जाबिर के पास गए, कहने लगे जाबिर तुम्हारी सवारी तो बड़ी उम्दा है, बड़ी उम्दा सवारी है, क्या इससे देखेंगे कि अल्लाह के नबी आपको इससे ऐसे ही ले लो, आपको क्या सौदा करना। अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं सौदा करो, कितने की देंगे। आप दोनों में बात कर हुई, मामला तय हो गया, मान लेके 10,000 पे। अब आप आए मदीने, आए मदीने में आकर आपने अगर जाबिर को बुलाया और अगर जाबिर को पैसे निकाल के दिए तो 10 की बजाय 15 दे दिए। अगर जाबिर ने कहा अल्लाह के नबी 5 ये रख लो, तो कहने लगे तुम्हें नहीं लेकर जाओ, तुम्हें 10 में बात हुई तुम्हें लेके जाओ, तो लेकर चले गए। अब जाने लगे तो अगर जाबिर को वापस बुलाया तो जाबिर इधर आओ तो क्या बात है कि अपनी उतनी को खोल के लेके जाओ, इतनी दे देगी और पैसे भी दिए और जो कीमत थी उससे बढ़ाकर दी। ये उम्मत ऐसे ही नहीं बन गई थी, अल्लाह के नबी ने एक एक को करीब कर करके बनाया था। जब अल्लाह के नबी ने उनको अपने से इतना करीब किया तो वो भी आप अल्लाह के नबी को हर वक्त में याद रखते थे। आपके पास आए कहने लगे तुझे पैदावार आई है लेकिन मंडियों का कर्जा उससे ज्यादा है, अब मैं क्या करूँ। तो अल्लाह के नबी खुद गए और जाकर खजूरें अपने हाथ से उठा उठाकर तोल तोल कर यहूदियों को दे रहे कि सारे यहूदियों का कर्जा अदा हो गया और जितनी खजूरें ताल में थी वो सारी की सारी बच गई। हालांकि हाथों में खजूर की चिकनाई भी लग रही है, ये सारी चीजें आप बर्दाश्त करें। तो जब आपने अपने सहाबा को करीब करने के लिए इतना कुछ किया तो सहाबा भी आपको हर वक्त में याद रखते थे। खंडक के मौके भी अगर शादी आए कहने लगे अल्लाह के नबी तो मेरे पास पहले तो बीवी से कहा कि कुछ है कि अल्लाह के नबी को देख कर आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अरे बकरी का बच्चा और कुछ जो पड़ा हुआ है तो जो पीस लो, बकरी के बच्चे को जगह करो, गोश्त बनाओ। अल्लाह के नबी के पास गए, कहने लगे कि अल्लाह के नबी 13-14 आदमी का खाना है, आप मिला के आप 15 हो जाए या 14 हो जाए, क्या आप चले आपको हमारे घर दावत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अगर शादी में दावत की और खंडक में तकरीबन 1500 के करीब आदमी। अल्लाह के नबी ने कहा कि भाइयों चलो या अलल खंडक अलम महिला गदा जाबिर, क्या लोगों चलो जाबिर के घर हमारी अपनी दावत है, चलो जाबिर ने दावत पर बुलाया। और अगर जाबिर सोच रहे कि अब मैं क्या करूँ, अल्लाह के नबी 13-14-15 आदमी का खाना है, यहाँ तो 1500 के करीब आदमी है, तो जाओ घर जाओ और घर जाके जहाँ से पकड़ा है वो पांडी को ढाक देना, उस पर कपड़ा डाल देना और जिस जगह से रोटियां बना रही उसको भी ढक देना, उस पर भी कपड़ा डाल देना। क्या हम आके अपने हाथ से तकसीम करेंगे क्या अगर जा